राशन दुकान सेल्समैन का रहा अभद्र व्यवहार। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां ग्राम पंचायत डगारिया में स्थित सरकारी राशन दुकान का सेल्समैन ग्रामवासियों से कर रहा अभद्र व्यवहार। सूत्रों की माने तो राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही जिनको 35 किलो और 20 किलो का कूपन प्राप्त है उन्हें केवल 5 किलो से 10 किलो राशन सेल्समैन द्वारा दिया जा रहा है। वहीं जब कोई कार्डधारी या कूपनधारी राशन कम देने के संबंध में जानकारी चाहता है तो सेल्समैन द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है और कार्ड जब्त कर भगा दिया जाता है, जिससे गरीब लोगों को लॉकडाउन के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि राशन दुकान संचालक द्वारा ट्रक से कुछ अनाज के बोरे अपने घर पर रखवा लिए गए हैं, जिसके कुछ वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाए हैं। मेरा नाम मोहन है, मैं केलपुर का निवासी हूँ। एक डंगारा पंच 6 माह से मेरे को राशन नहीं मिला है। 20 किलो कूपन प्राप्त है मेरी, 10 किलो अनाज देती है मेरे को। हाँ, 10 किलो मिलता है, इसलिए मैं नहीं लाया सर अभी वहाँ से। 20 किलो राशन मिलता है तो 20 किलो देने के लिए इनकार करती वो। महोदय जी, 6 माह का राशन दिलाइए। हाँ, गरीब लोगों के गरीब परिवार के मदद कीजिए। लॉकडाउन में हम भूखे भाके मर रहे, मार्केट जाना ना कुछ नहीं, राशन नहीं, केरोसिन नहीं मिलता, कुछ नहीं। बोल, मदद की जाए हमारी। ये सेल्समैन पे तत्काल कार्रवाई कीजिए। कहाँ जा रहा है ये पता नहीं, ये राशन देती नहीं, जांच कीजिए इसकी। बब्बू यदवंशी, बड़गांव, ग्राम पंचायत डगारिया में मैं राशन लेने गया था तो मेरे को राशन मांगा मैंने उसको 105 किलो 35 किलो के हिसाब से 3 माह का राशन वितरण हुआ है, तो मेरे को उसने सिर्फ 60 किलो देने की बात की। तो मैंने नहीं कह दिया कि मेरे को 105 किलो चाहिए, तो उसने नहीं दिया, मेरे हाथ से कार्ड झटक लिया है। फिर इसके बाद मैंने सरपंच को भी बुलाया, उसको भी बताया, तो सरपंच को भी कह दी कि मैंने दे दिया है। हाँ, तो सरपंच ने कहा कि इसको राशन दे दो, तो बोले मैंने नहीं देती इसको राशन, मैंने दे दिया है, ये बोल रही है। अब मुझे राशन प्राप्त नहीं हुआ है और मैं 3-4 बार गया पर कुछ नहीं, इसने कार्ड भी नहीं दिया ना राशन भी नहीं दिया, इसलिए मैंने लड़के को भेजा, उसको भी वापसी कर दिया है। तो वो देने को इच्छुक नहीं है, इसलिए आप कोई भी कार्रवाई की जाए। हाँ, तो इस लॉकडाउन के स्थिति में मेरे को राशन दिलवाया जाए, हम सब परिवार अभी भूखे मर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कल फिर बच्चे को भी भिजवाया, तो इसके उपरांत तो उसने बच्चे को भी ना कार्ड दिया है ना राशन दिया है और वापसी कर दिया है।
मैं नीलेश यादव कल राशन की दुकान पे गया था डंगारिया, लेकिन राशन देने से मना कर दिया और हमको 3 महीने से राशन नहीं मिला है और हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। इससे महोदय जी से मेरा निवेदन है कि कृपया हमको राशन दे और इस सेल्समैन पे उचित कार्रवाई करे और मेरा राशन देने की कृपा करे महोदय। राशन नहीं मिलता है, भूखे मरूं आई बोला राशन दे ला। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।